नमस्कार आदाब। हमारे विशेष राहुल का शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चंपारण से बिहार चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी और अंबेडकर को याद किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने एक बार फिर सूट-बूट की सरकार कहकर कटाक्ष किया। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल की रैली में लालू और नीतीश की गैर मौजूदगी खासी चर्चा में रही, लेकिन मंच पर राहुल के साथ तेजस और केसी पंत जरूर मौजूद थे। हालांकि नीतीश राहुल से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राहुल के साथ लालू के साथ राहुल मन साझा करने में हिचकते हैं, यह लंबे समय से चर्चा रही है। लेकिन सुशासन बाबू भी अनुपस्थित रहे। महागठबंधन में घटक दलों के साथ सीटें के बंटवारे को लेकर भी उन विधायकों में नाराजगी है जिनके दम पर नीतीश सत्ता पर काबिज हुए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराने वाले जेडीयू के विधायक की सीट काटकर आरजेडी को दे दी गई। नाराज विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हाँ, यही है हमारे आज का विशेष राहुल का शंखनाद। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर पार्टी अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। एक तरफ एनडीए ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, तो ही दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी चुनावी बुबुल फूंक दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए पश्चिमी चंपारण पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का स्वागत किया, लेकिन रैली से दूरियां बनाए रखी। हालांकि पार्टी के महासचिव केसी त्यागी रैली में मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी महागठबंधन यूं कहें कि कांग्रेस की रैली से ही दूरी बनाए रखी और अपने बेटे तेजस्वी यादव को पहुंचा कर खाली जगह को भरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर सूट-बूट के बहाने हमला किया, तो राहुल ने रैली में ये भी कहा कि केंद्र में गरीबों की नहीं बल्कि सूट-बूट की सरकार है। चाय वाले थे, आस्ते 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 उनके कपड़े बेहतर हुए, कुर्ता पजामा आया और अंत में जब वो प्रधानमंत्री बने 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे 5 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन के खिलाफ महागठबंधन कमर कस रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी चंपारण की धरती से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री होकर के अपने गरिमा को गिराने का काम किया, नामकरण करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, नामकरण करते हैं जेडीयू का, नामकरण करते हैं। हम बता देना चाहते हैं ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, ये नाकाम ड्रामेबाज और अहंकारियों का अलायंस है, अहंकारियों का अलायंस है। इन लोगों से बिहार नहीं चलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमले के बाद बीजेपी ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि जो चुनाव से पहले साथ नजर नहीं आ रहे, वो चुनाव के बाद कैसे साथ नजर आएंगे। तो वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। कभी राहुल गांधी कहेंगे हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, वो कहेंगे हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो चुनाव से पहले जब रात है इतनी मतवाली, तो अभी चुनाव से पहले का ये हाल है, तो चुनाव के बाद जब हार, तो ये हार की जो हताशा है, हार से पहले की हताशा, वो प्रदर्शित कर। एक ही बात जो उनको सिखा दी गई है या उनको बढ़ा दी गई है, उसी को ये पिछले 6-7 महीने से जब से सदन में इन्होंने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक वर्ड इनको
किसी भी इनके जो भी इनके भाषण वाषण लिखते हैं उन्होंने बता दिया कि सूट बूट बोल लो भैया, उसी को रिपीट किया जाने रिपीट किया। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। इस रैली में राहुल के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के इस रैली से दूरी बनाने को लेकर महागठबंधन की एकता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आइए इसी मामले पे हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वरूप नायक जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और करुणा शर्मा कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वरूप, क्या है आज नीतीश भी नहीं गए उस मंच पर और लालू भी नहीं गए, दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेज दिए, लालू ने तो अपने बेटे को भेज दिया और नीतीश ने अपने महासचिव को भेज दिया। नीतीश मिलने जरूर गए थे लेकिन इस रैली में शामिल नहीं हुए, इस सभा में शामिल नहीं हुए। देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं गए अलग बात है, लेकिन जनता दल के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव उस रैली में थे और वो प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ चंपारण से राहुल गांधी ने अपनी चुनावी बिगुल बजाया है तो चंपारण का बहुत मतलब महत्वपूर्ण अर्थ है। चंपारण गांधी जी का क्षेत्र, गांधी जी ने उन्हें काम किया, तो देश के नेताओं को जो निर्वाचित लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधानमंत्री जी, उनको बताने का काम किया है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर मत करिए, आप गांधी को बोलिए बोलिए बस नहीं करिए भी, इसलिए चंपारण से किया है काम। और जहां तक रैली की बात है तो रैली में हमारा प्रतिनिधि उपस्थित है, महासचिव उपस्थित है। दूरी क्यों है, आपको लगता नहीं थोड़ा सा दूरी सी बना के रहे? नहीं, शुरुआत हुई है, चुनावी बिगुल लंबा है, और भी रैलियां होंगी और 30 अगस्त को एक बड़ी रैली हो चुकी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी सोनिया गांधी जी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी पूरे लोग थे, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के पूरे लोग थे और एक बड़ा कार्यक्रम दिखा चुके हैं, एकता प्रदर्शित है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। रजनीश, आप कैसे देखते हैं इस बात? पहली बात तो रिजवान जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राहुल जी के भाषण को आपने मुद्दा बनाया, क्या छोड़ा, क्या पकड़े, कैसे उसको एडिट करें और कौन से आंसर लें, इस वाकई ये बहुत चतुरता का काम था आपने किया। दूसरी बात, तो जिसको नीतीश कुमार जी ने गंभीरता से नहीं लिया, लालू प्रसाद जी ने गंभीरता से नहीं लिया, या इनको राहुल गांधी जी ने गंभीरता से नहीं लिया, उसका सवाल आपने स्वरूप जी से कर ही दिया। इसका अर्थ सीधा है कि ये जो गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पाए इसलिए कहीं कुछ करने की कवायद है, वो सफल नहीं हो पा रही क्योंकि सबके अहंकार, सबके लूट के दावेदार। मुझे लगता है ये बिल्कुल सीधा सा पाठ संदेश है और ये मुझे भी यही संदेश समझ में आता है। करुण शर्मा, आप क्या कहेंगे? चर्चाएं तो लंबे समय से थी कि लालू यादव के साथ वो मंच साझा नहीं करना चाहते, लेकिन नीतीश भी उस मंच में नहीं। देखिए, कयास तो बहुत सारे आप अपनी मनमर्जी से लगा सकते हैं, बहुत कुछ आप अपनी मनमर्जी से कह सकते हैं। जैसे भाजपा ने या अभी मेरे अग्रवाल भाई साहब ने कहा कि ये हो सकता है या ये हुआ या वो नहीं हुआ, आप अपनी मनमर्जी से अर्थ का अनर्थ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नीतीश जी मिलके गए। जैसे अभी भाई ने कहा कि आगे ये बड़ा संग्राम चलने वाला है, आगे कई रैलियां होने वाली हैं, इसमें फिर अभी जो पहले हुई थी तो सोनिया जी के साथ में जो वरिष्ठ नेता थे, लालू जी भी थे और बाकी लोग भी, नीतीश जी भी उपस्थित थे। रही राहुल जी की रैली की बात, तो उसमें अगर तेजस्वी जी उपस्थित थे, एक नई जनरेशन सामने आ रही है, एक नया नई लीडरशिप सामने आ रही है, तो मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह इसको नेगेटिव वे में क्यों लिया जा रहा है, या तो शायद थिंकिंग क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो हर चीज में आदत बन गई है नेगेटिविटी ढूंढने की, इसलिए ये सिर्फ उसमें वही ढूंढते रहते हैं, इनके पास कुछ और करने या कहने को बचा नहीं है, अपने किए वादे तो ये आज तक पूरे नहीं कर पाए। जैसे राहुल जी के लिए मैंने भी सुना, कहा गया कि राहुल जी पिछले, चिराग पासवान जी कह रहे थे कि पिछले 6 महीने से वो एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, सूट बूट की सरकार। तो आपने जो पिछले 6 महीने से पिछले साल भर में आपने जो उदाहरण जनता के सामने, देश के सामने दिया है, राहुल जी उसी चीज को बरकरार रखे हुए हैं।
आपने अगर उसमें कुछ सुधार किया होता तो राहुल जी उसमें कुछ सुधार करके बोलते। आपने उनके लिए सुधार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, आपने कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी है कि वो कोई दूसरी बात कर सके, कोई नई बात कर सके। आप उन्होंने जितनी कमियां या जितने वादे आपके किए हुए गिनाए हैं चुनाव से पहले, आप उनमें से एक भी बता दीजिए जिसको आपने पूरा कर दिया हो। तो आप उनसे किस तरह से, आप उनपे उल्टी बात कह रहे हैं कि साहब वो पिछले लंबे समय से ये एक बात कह रहे हैं या इस चीज को कह रहे हैं, आप कुछ सुधार लेके आए तभी तो वो कुछ और कहेंगे ना। चलिए सौरभ आप भी कह दीजिए कुछ कहना चाहते हैं। बोलने लूट की बात कह रहे हैं तो देश ने पहली बार देखा है कि भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है। देश में 2% लोगों के लिए और कुछ चंद लोगों के लिए सरकार कैसे काम करती है, ये मोदी जी ने जीता जागता उदाहरण दिया। दूसरी बात, जो किसान विरोधी आंदोलन भूमि अधिग्रहण बिल का जो वापस लिया, वो किसने किसके कारण हुआ? पूरे विपक्ष के दबाव के कारण हुआ ना, जो कि एक काला कानून इस देश में बनने वाला था। एक चीज। दूसरी चीज, गरीबों के वोट लेके सिर्फ 2 लोगों के लिए सरकार चल रही है। किसके लिए? अडानी और अंबानी के लिए। अंबानी के लिए और अडानी के लिए। अडानी के लिए 32,000 करोड़ रुपए वहां मिल जाते हैं आपके, कहां? ऑस्ट्रेलिया में के लिए SBI पास कर देती है, बड़े बैंक उसे ले ना, किसके लिए सरकार हो? लेकिन गरीब के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो किसकी लूट कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, सामने दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सामने है स्पष्ट। और यदि 14-15 महीने में इनने कुछ काम किया होता तो देश के प्रधानमंत्री को पैकेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज देश के प्रधानमंत्री को बिहार में सिर्फ चुनाव वाले क्षेत्र में पैकेज देने की घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि उन्होंने काम नहीं किया। तो किस आधार पर ये वोट मांगेंगे? कोई आधार ही नहीं बनता उनके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक SN विनोद साहब जुड़ गए हैं। विनोद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।